गॅट्स करार, UGC फेलोशिप बाबत भूमिका आणि सरकारच्या शैक्षणिक धोरणामुळे देशातील शिक्षणाचे बाजारीकरण होत असल्याने सरकारने योग्य भूमिका मांडत शिक्षणाचे होणारे बाजारीकरण थांबवणे गरजेचे असल्याचं लोकायतकडून सांगण्यात येत आहे. शिक्षणाच्या बाजारीकरण विरोधात देशभरातील विद्यार्थी दिल्लीमध्ये ऑक्युपाय UGC आंदोलन करत आहेत. आंदोलनाचा 50व्या दिवशी संसद भवनावर मोर्चा काढला असता या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून लाठी हल्ला करण्यात आला. याचा समाजातील सर्वच क्षेत्रातून निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. पुणे शहरातही त्याचे पडसाद उमटलेले पाहायला मिळाले. लोकायत आणि सोशालिस्ट पार्टीच्या वतीने विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठी हल्ल्याचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. देशातील सर्व विद्यार्थ्यांना समान मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे, शिक्षणाच्या बाबत जागतिक व्यापार संघटनेशी करण्यात येणारी चर्चा मागे घ्यावी, सरकारने शिक्षण क्षेत्रातील खर्चात 10% वाढ करावी अशा मागण्या देखील यावेळी करण्यात आल्या. दरम्यान गॅट्स करार, UGC फेलोशिप बाबत भूमिका आणि सरकारच्या शैक्षणिक धोरणामुळे देशातील शिक्षणाचे बाजारीकरण होत असल्यानं सरकारने योग्य भूमिका मांडत शिक्षणाचे होणारे बाजारीकरण थांबवावे गरजेचे आहे असे मत लोकायतचे नीरज जैन यांनी व्यक्त केले. केंद्र सरकारच्या वतीनं ज्या शैक्षणिक धोरण मानण्यात येते, या शैक्षणिक धोरणाला विद्यार्थ्यांकडून, शिक्षण संस्थांकडून वारंवार विरोध करण्यात येतोय. नक्की काय प्रकार आहेत, का या शिक्षणाचं बाजारीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारमुळे प्रोत्साहन मिळते, आपण जाणून घेऊया. आज सोशलिस्ट आणि लोकायत पार्टीच्या वतीनं दिल्लीमध्ये झालेल्या ऑक्युपाय UGC या आंदोलनावर विद्यार्थ्यांवर लाठी हल्ला करण्यात आला आणि त्याच्या निषेधार्थ ही सभा घेण्यात आली. आपण नीरज जैन आपल्यासोबत आहेत, आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया नक्की कशा प्रकारचे त्यांच्या मागण्या राहिल्यात. सर, क्या कहेंगे ये जो केंद्र सरकार का एज्युकेशन का जो धोरण है उस पर विद्यार्थी हो, शिक्षण संस्था हो, क्या आप और आज आप यहाँ पे जो निदर्शन कर रहे हैं, तो क्या शैक्षणिक धोरण के वजह से विद्यार्थियों पर आगे जो भविष्य में लठिया आ सकती है? देखिए, मामला बहुत सीधा है. सरकार शिक्षा के बजट को लगातार कम करती चली जा रही है. इस बार जो केंद्रीय बजट घोषित हुआ उसमें फिर उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो कम कर दिया है. उसके बाद अभी कुछ दिन पहले अखबारों में आया था कि सरकार जो बच्चों को दोपहर में मध्याह्न भोजन मिलता है उस पर जो सरकार की तरतूद है, सरकार उस पर भी कटौती करने जा रही है और राज्यों को वो ट्रांसफ़र करने जा रही है, जबकि वो फुली सेंट्रल फंडेड स्कीम है. तो इस तरह से ये जो लगातार पॉलिसीज चल रही हैं उसका उद्देश्य यही है कि शिक्षा पे ग्रेजुअली खर्चा कम किया जाए. ये जो WTO के टॉक्स चल रहे हैं उसमें अभी गैट्स के वार्ताएं शुरू होने जा रही हैं 15 दिसंबर में, उसमें ये एक पूरा प्रावधान है कि शिक्षा का पूरा बाजारीकरण होना चाहिए और उसमें सरकार ने अपनी तरफ से एक ऑफर दिया है गैट्स में कि शिक्षा को वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, फॉरेन कॉलेजेस के लिए ओपन करना चाह रहे हैं. उसकी जो नियम है उसमें फिर सरकार को अपनी सब्सिडीज एजुकेशन पर ख़त्म करनी पड़ेगी. तो उसी का एक हिस्सा ये है कि सरकार ने ये घोषित किया कि वो फेलोशिप्स जो हैं, जो नॉन नेट फेलोशिप्स हैं, जो लोग MPhil और PhD कर रहे हैं, उन फेलोशिप्स को सरकार ख़त्म करने जा रही है. उसके बाद उसके ऊपर जब विद्यार्थियों ने दिल्ली में जम के प्रोटेस्ट किया तो सरकार ने वो टेम्परेरीली, ये नहीं उन्होंने घोषणा की है कि परमानेंटली वो विड्रॉ कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम टेम्परेरीली विड्रॉ कर रहे हैं. लेकिन हम ये जानते हैं कि गैट्स की वार्ताओं का परिणाम यह होगा कि उनको वो फेलोशिप विड्रॉ करनी पड़ेगी. तो ऐसे में दिल्ली में विद्यार्थी, करीब 35,000 विद्यार्थी से अफेक्टेड होंगे. उनको जो स्टाइपेंड मिल रहा है 5,000 से 8,000 रुपये, यदि वो बंद हो जाएगा तो तय बात है कि इनमें से कोई भी विद्यार्थी MPhil PhD नहीं कर पाएगा. यानी पूरी शिक्षा का जो उच्च स्तर है वो अमीरों के लिए आरक्षित हो जाएगा. तो विद्यार्थी उसका विरोध कर रहे हैं. और उससे जुड़ा मुद्दा कि आप WTO में जो आपने ऑफर दिया है उससे विड्रॉ कीजिए, और इसके पीछे जो असली मामला है कि एजुकेशन पे जो बजट में कटौती की जा रही है वो सरकार अपना खर्चा बढ़ाए. तो ये जाता है कि एजुकेशन ही आगे वाले भविष्य का बेस है. हमें अगर विकसित होना है, हमें डेवलप कंट्री होना है, तो एजुकेशन ही हमें आगे आने वाली कोई भी चिंता हो उसमें से सुधार सकता है, हमें उसमें से निकाल सकता है. तो केंद्र सरकार क्यों ऐसा कर रही है कि जो मेन बात है, जो बेसिक है, जो एजुकेशन है, उसी पर वो आघात करने की कोशिश कर रही है? तो आपका क्या मानना? आपका सवाल एकदम सही है. असल में कोई भी विकसित देश, दुनिया भर में जो भी देश विकसित हुए हैं, उनके विकसित होने की एक शर्त रही है कि उन्होंने सबसे पहले शिक्षा को फ्री किया है, यूनिफॉर्म किया, यानी गरीब से लेकर अमीर बच्चे हर एक को समान शिक्षा दी है, और पहले 12वीं तक फ्री किया है, और अब बहुत सारे देशों में हायर एजुकेशन फ्री है. यहाँ पर उससे ठीक उल्टी वाटचाल चालू है, और जो थोड़े बहुत कदम आज़ादी के बाद उठाए गए थे शिक्षा को सस्ता करने के लिए, फ्री करने के लिए, धीरे धीरे अब उल्टी वाटचाल करके अब तो कॉलेज, तो नए सरकारी कॉलेज खुलना बंद ही हो गए हैं. अब तो प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल तक प्राइवेट करने जा रहे हैं. हमारा ये सोचना है कि कुल मिलाकर इस देश को विदेशी कंपनियों के मातहत किया जा रहा है,
और विदेशी नहीं चाहते, क्योंकि ये देश के सारे लोग यदि पढ़ लेंगे तो यहाँ का टैलेंट भरपूर है, हम उनको चुनौती दे सकते हैं। तो उनकी पूरी कोशिश है कि यहाँ का शिक्षा तंत्र समाप्त किया जाए और यहाँ के लोग उनके गुलाम रहें, यानी जैसे वो पहले हम लोगों को अशिक्षित रख के हम उनकी चाकरी किया करते थे, ऊपरी सारे पद उनके हाथों में रहते थे। आज वो इस कोशिश में है कि ऊपरी सारी रिसर्च, ऊपर के सारे पोस्ट, ऊपर का सारा टेक्नोलॉजी नियंत्रण वो इस देश के अमीर और विदेशी कंपनियों के हाथों में रहे और गरीब जनता उनके सिर्फ बहुत सस्ते में काम करे। मेक इन इंडिया का भी इसेंस यही है। तो उसी का एक हिस्सा ये है कि शिक्षा में जो पॉलिसी लागू की जा रही है, कुल मिलाकर हमारा ये आरोप है कि ये सरकार इस देश को विदेशी कंपनियों के फायदे के लिए चला रही है। एक प्रकार से एक नवीन किस्म की आर्थिक गुलामगिरी आ रही है इस देश में, उसका हिस्सा है कि ये शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर। आप क्या सुझाव देंगे कि किस प्रकार से जो एजुकेशन पॉलिसी हो, क्या कहेंगे आपकी कैसे एजुकेशन पॉलिसी? एकदम स्पष्ट है कि कोठारी कमीशन इस देश का ही सबसे महत्वपूर्ण कमीशन जो है, उसके रिकमेंडेशन उन्होंने आज तक लागू की नहीं है। कोठारी कमीशन ने 1964-66 के दौरान अपने रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें एक बुनियादी शर्त थी, पहली शर्त ये थी कि समान शिक्षा हो सारे बच्चों को, दूसरा कहना था उनका कि शिक्षा पे खर्चा बढ़ाइए। उस समय उन्होंने 6% की डिमांड की थी, आज असल में वो इफेक्टिवली 8-10% हो जाता है, ये उनका दूसरा रिकमेंडेशन था। तीसरा उनका कहना था कि शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, सारी शिक्षा लोगों के लिए फ्री इक्विटेबल होनी चाहिए। रिकमेंडेशन सरकार के पास मौजूद है, लागू करने की बात है, लागू करने का न विल है न स्पिरिट है। एकूणच तुम्ही पाहू शकता की शिक्षण धोरणांमुळे, केंद्र सरकारच्या शिक्षण धोरणांमुळे विद्यार्थी असतील, शिक्षण संस्था असतील आणि शिक्षण तज्ज्ञ असतील यांच्यामध्ये नाराजी पसरली आणि एकूणच एक प्रकारचं असं मानलं जातं की शिक्षणाच्या बाजारीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने शासनाच्या धोरणातून एक प्रकारे सकारात्मक निर्णय, एक प्रकारे सकारात्मक घोषणा केली जाते, त्यामुळे सर्वत्र ही नाराजी पसरली दिसते। कॅमेरामॅन सागर सोबत आतिश ढवळे, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज।